कभी सोचा है वर्ल्ड वाइड टोटल वेबसाइट्स कितनी होंगी? तो आइए मैं आप लोगों के साथ डेटा शेयर कर देता हूं। आजकल ऑनलाइन के दौर में अगर आपको पता हो, सब कुछ काम हो रहा है वेबसाइट के थ्रू। तो क्या कभी सोचा है कितनी वेबसाइट होंगी? मैं आपके साथ डेटा शेयर कर देता हूं, अराउंड 1.2 बिलियन वेबसाइट्स, यानी 120 करोड़, 120 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव वेबसाइट्स हैं अभी जो डेटा अवेलेबल है। तो इतनी एक्टिव वेबसाइट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप खुद अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन चाहते हो, आप खुद अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो, तो सबसे पहला जरूरत होती है अपनी खुद की वेबसाइट। आप अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हो, अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, जैसे ही आप ऑनलाइन आना चाहते हो, सबसे पहली जरूरत होती है आपकी वेबसाइट। तो क्या कभी सोचा है कि वेबसाइट फ्री भी बन सकती है? कौन कौन से टूल आपको आने चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इस पूरे वीडियो में मैं वो रिवील करने वाला हूँ। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए बाकी लोगों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिले कि किस तरीके से वेबसाइट बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वेबसाइट बनाने के लिए ये कंपोनेंट हैं बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहला कंपोनेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डोमेन नेम क्या चीज़ होती है, राइट? डोमेन नेम होता क्या है बेसिकली? यानी आपकी खुद की अपनी वेबसाइट, आपका खुद का जो कंटेंट है उसको कैसे कोई एक्सेस करेगा, उसको कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना खुद का डोमेन नेम बना रखा है www.techiadesh.com, ये होता है डोमेन नेम। ये सिर्फ डोमेन नेम होता है, बाकी ये होता है डोमेन एक्सटेंशन। जैसे मैंने लिया हुआ है .com, यानी कि कमर्शियली मैंने इसको अपनी वेबसाइट माना है। आप इसको .com, .net, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एक्सटेंशन होते हैं, कोई भी एक्सटेंशन आप चूज कर सकते हो, या फिर आप कंट्री स्पेसिफिक डोमेन भी ले सकते हो। तो जो आप डोमेन, अगर आप कंट्री इंडियन वेबसाइट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगी या तो .com या फिर .in, जिसमें डिनोट करता है इन की एक इंडियन वेबसाइट है। नाउ अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपको होस्टिंग भी लेनी पड़ती है, और ये दोनों चीज़ें पेड होती हैं, राइट? लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट बनवाते हैं तो हम किसी आईटी एक्सपर्ट के पास चले जाते हैं, क्योंकि हमें ये नॉलेज नहीं होती। लेकिन क्या कभी हम पूछते हैं कि हमें कितनी होस्टिंग मिलेगी, कितना हमें उसके अंदर स्पेस मिलेगा? होस्टिंग बेसिकली क्या होती है, यानी आपके कंटेंट को ऑनलाइन लेने के लिए आपने वो स्पेस रेंट पे ले लिया, ये आपका लाइफ टाइम के लिए दोनों चीजें नहीं होती हैं। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता देने वाला होता हूं, डोमेन नेम और होस्टिंग का जो स्पेस होता है वो आपको लाइफ टाइम नहीं मिलता, ये रेंट पे मिलता है कुछ टाइम के लिए। ये जनरली 1 ईयर के लिए आपको मिलता है ना? यानी 1 ईयर के लिए आपने रेंट पे ले लिया डोमेन नेम। ऐसा नहीं है आपने डोमेन नेम एक बार बुक करा दिया तो वो आपका लाइफ टाइम हो गया, वो डोमेन आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आप बुक करा सकते हो। जनरली 1 ईयर के लिए लोग कराते हैं, फिर उसको रिन्यू कराते हैं, यानी ये दोनों चीज़ें आपको रिन्यू करनी पड़ेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि डोमेन नेम और होस्टिंग आपको फिर से रिन्यू करनी होती हैं, जब वो आपकी एक्सपायर होने वाली होती हैं तो फिर आपको रिन्यूअल का नोटिस आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ेंगी, ये आपकी रेंट पर होती हैं और उसके बाद आपको फिर से रिन्यू करनी होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको ये फिर से बनाना होता है, राइट? आपको डेवलपमेंट करना होता है, यानी आपको अगर अपनी वेबसाइट बनानी है, आपको अपना कंटेंट उसके अंदर डालना है, तो आपको वो कंटेंट बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको खुद नॉलेज है तो आप खुद से बना सकते हो, अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो आप किसी आईटी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर आने चाहिए? आपको अगर HTML की नॉलेज है, या फिर PHP की नॉलेज है, या फिर WordPress की नॉलेज है, तो फिर आप खुद से वो वेबसाइट बना सकते हो। क्योंकि वेबसाइट में होता क्या है, देखिए, आप जनरली जो बिजनेस आप करना चाहते हैं, जो कंटेंट आप उसके अंदर डालना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पेजेस लिंक्ड होते हैं। जैसे आप देखोगे वेबसाइट में सबसे पहले होम पेज, उसके बाद अबाउट, या फिर सर्विसेज हैं जो आपकी, या फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट, या फिर डिफरेंट टाइप की वेबसाइट है, जैसे शॉपिंग की वेबसाइट है तो उसके अंदर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, फिर उनको ऐड कैसे करना है, फिर उनको कार्ट में ऐड करना है, फिर उसको पेमेंट करनी है, ये सारे पेजेज आपस में लिंक होते हैं। तो वो लिंक या तो पेजेज आपको बनाने आने चाहिए, या फिर आप दूसरे बंदे से हेल्प ले लेते हो। दूसरी बात, या फिर अगर आपको नहीं पता, आपको बेसिक सी वेबसाइट बनानी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मान लो आपको HTML की नॉलेज नहीं है, आप खुद से पूरा क्रिएट नहीं कर सकते, आपको उसको टैग की नॉलेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं वो नॉलेज नहीं है, तो आप कोई टैम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो और उसमें फिर चेंज कर सकते हो। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आप किस तरीके से बना सकते हो। आप बने बनाए टैम्पलेट के लिंक आते हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर आप चेंजेस
कर लीजिए, और वो चेंज करने के बाद जब मान लो आपका ये फोल्डर बन गया वेबसाइट का, इसको मैं वेब का नाम दे देता हूँ, ये फोल्डर आप क्या करोगे इस होस्टिंग पे अपलोड कर दोगे। जब आपने होस्टिंग ले ली तो आप फिर आपका वेबसाइट का कंटेंट भी बन गया, ये कंटेंट बन गया, इसके अंदर पिक्चर्स वीडियो जो भी फाइल्स थी एचटीएमएल फाइल्स वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो आप इनको उठा के कर देते हो होस्टिंग पे अपलोड। यानी अब आपकी जो वेबसाइट है वो अपलोड हो चुकी है, और इस होस्टिंग को कर देते हो लिंक किसके साथ, अपने डोमेन के नाम के साथ। तो जब भी कोई फिर इस डोमेन को ओपन करेगा www. जैसे मेरे केस में techiadesh.com, तो फिर आपका कंटेंट उसके साथ लिंक हो जाता है, वो उसके साथ ओपन हो जाता है। उसमें जो भी कंटेंट होगा, पहले हम उसमें एक डिफॉल्ट होम पेज बना देते हैं, तो जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट को खोलेगा तो उसका होम पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद जब आप ये तीनों चीज़ें ले लेते हो तो फिर आप उसके साथ उससे रिलेटेड ईमेल भी बना सकते हो। ईमेल आप जानते हो, ईमेल एक तो होती है फ्री ईमेल, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल देता है जीमेल, जीमेल एक फ्री सर्विस है, उसी तरीके से याहू देता है, रेडिफ देता है, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो फ्री में भी देती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो अपने डोमेन के साथ आप ईमेल यूज करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ sales@techiadesh.com, तो वो ईमेल भी आप बना सकते हो। कुछ होस्टिंग फ्री में देती हैं, कुछ होस्टिंग के साथ आपको परचेज करनी पड़ती है वो ईमेल, तो जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ से आप परचेज कर सकते हो ईमेल को। और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके साथ जो आपको पता होने चाहिए, जैसे आपको जब आप ये वेबसाइट होस्ट कर देते हो और डोमेन के साथ जब आप उसे लिंक कर रहे होते हो तो आपको एक नेम सर्वर अपडेट करना होता है, राइट, जिससे पता चलता है कि डोमेन जो है किस होस्टिंग के साथ अटैच हो रखा है। तो ये चीज़ भी आपको वहाँ पे नेम सर्वर अपडेट करना होता है। तो ये कुछ की कंपोनेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए वेबसाइट के बारे में। अब कहाँ से ये फ्री में अवेलेबल है, डोमेन नेम फ्री में कहाँ से मिलेगा, होस्टिंग आपको फ्री में कहाँ से मिलेगी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको डोमेन नेम फ्री में मिलेगा और किस तरीके से आपको होस्टिंग भी फ्री में मिल जाएगी। डोमेन नेम यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी आपको वो यूनिक एक ही डोमेन नेम एक बार मिल सकता है, वो और किसी का डोमेन नेम डुप्लीकेट नहीं हो सकता या फिर एक्सटेंशन अलग होगा। यानी जैसे techiadesh.com है तो techiadesh.in को ही हो सकता है ले, राइट। अब हम बात करते हैं कि फ्री में लेने की क्या क्या लिमिटेशन होती है, क्योंकि आपको पता होगा फ्री में सब कुछ चीज़ हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, कुछ उसके साथ लिमिटेशन ज़रूर होती हैं। तो इसके अंदर क्या लिमिटेशन है जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, तो आपको जो डोमेन नेम मिलेगा आपको अगर आप फ्री में लोगे तो उसके साथ वो आगे कुछ अटैच कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल भी अपना डोमेन नेम देता है, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो www.techiadesh.com नहीं techiadesh.blogspot.com वो मुझे डोमेन दे देगा और मुझे होस्टिंग भी फ्री में अवेलेबल करा देगा। तो होस्टिंग की भी कुछ लिमिटेशन होती हैं, जैसे वहाँ पे साइज आपको कम मिलेगा, या फिर सर्वर की स्पीड कम होगी, या फिर आप डेटाबेस कम बना पाओगे, या फिर आप उतना कंटेंट अपलोड नहीं कर पाओगे। ये कुछ लिमिटेशन होती हैं जो आपको होस्टिंग के साथ में फेस करनी पड़ेंगी। तो वो फिर भी अगर आप छोटा सा बेसिक अपना कुछ नाम ही क्रिएट करना चाहते हो और अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, जस्ट एक होम पेज क्रिएट करना चाहते हो, तो आप उनकी फ्री होस्टिंग की स्पेस यूज कर सकते हो। आप डोमेन भी वो अगर उसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि techiadesh.blogspot.com हो तो आप उस डोमेन नेम को भी यूज कर सकते हो। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई वेबसाइट्स के बारे में, आप फ्री में कोई वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हो और कौन कौन से की कंपोनेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए वेबसाइट से रिलेटेड। तो अगर आप भी चाहते हैं कोई फ्री में वेबसाइट बनाना तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो ट्यूटोरियल आपको अपलोड कर दूंगा बना के, जिसमें मैं आपको एक बेसिक सा सिंपल पेज बना के अपलोड करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा। उसके अंदर सी पैनल कैसे होता है, ईमेल बनती कैसे हैं, होस्टिंग होती कैसे है, डोमेन नेम बुक कैसे कराते हैं, ये सारी डिटेल के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर आपके कमेंट आएंगे तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। तो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे फिर किसी एक टॉपिक के बारे में, तब तक थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।